ये तो अभी पहले चुनाव हो जाए, इंडिया गठबंधन आ जाए, इंडिया गठबंधन में एक से एक परिपक्व नेता हैं, सब मिलजुल के इसका फैसला कर लें। ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव के पहले हर पार्टी में जो लीडर होता है और उस पार्टी में जो वर्कर होता है वो अपने लीडर को चाहता है, इसमें कौन नई बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर ने एक बयान दिया है कि अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, तो कहीं ना कहीं उसमें शशि थरूर के बयान को वो हामी भरते हुए दिखे। और वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कह दिया कि जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले सुन उनकी बातों को। तो आपने सुना अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरह से कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए दो मंत्रिमंडल खाली है, हम तो मांग ही कर रहे हैं लेकिन अब मुलाकात करने की भी बात कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। और वहीं जिस तरह से गांधी के कंपेयर किया जा रहा है जदयू के द्वारा, उस पर भी क्या कुछ कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने, आपने सुना। ऐसे तमाम खबर बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार। ये तो अभी पहले चुनाव हो जाए, इंडिया गठबंधन आ जाए, इंडिया गठबंधन में एक से एक परिपक्व नेता हैं, सब मिलजुल के इसका फैसला कर लें, इसमें कोई कठिनाई नहीं। जो अब ये कोई एस्ट्रोलॉजी का बात यहाँ हो रहा है, अभी पहले चुनाव होने दीजिए, चुनाव में जीत हो जाएगी तब ये प्रश्न बनता है, अभी ये काल्पनिक प्रश्न है। नहीं, सभी दल के लोग हैं, किसी दल के हैं जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव के पहले हर पार्टी में जो लीडर होता है और उस पार्टी में जो वर्कर होता है वो अपने लीडर को चाहता है, इसमें कौन नई बात है। अखिलेश जी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो अखिलेश जी आपको चाहेंगे। अखिलेश जी के भी लीडर हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, तो किसको चाहेंगे आप, किसको चाहेंगे राहुल गांधी। मेरे चाहने से इसमें कुछ नहीं होना है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न ही काल्पनिक है, चुनाव के बाद परिणाम के बाद जो स्थिति बनेगी उसके बाद लोग फैसला कर लेंगे। अब गांधी जी से तो तुलना किसी का नहीं किया जाना चाहिए, गांधी जी बहुत बड़े शख्सियत थे, लेकिन गांधी जी के रास्ते पर जो लोग चलने वाले हैं और जो जिस पार्टी का वर्कर है वो अगर तुलना करता है कर सकता है, लेकिन कहाँ गांधी जी, कहाँ हम लोग, कहाँ कौन। महात्मा गांधी पूरे दुनिया में बिना कोई हथियार के, बिना किसी को डरा के, अपना सत्य अहिंसा पर जो उन्होंने काम किया अफ्रीका में, इंडिया में या पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल एक्सेप्ट। अभी भी मैनचेस्टर शहर में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, तो वहाँ के मेयर साहब ने गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगा दी कि लोग गांधी जी को देख के आंदोलन अपना समाप्त करें। तो कहाँ ऐसा आदमी पैदा हुआ दुनिया में गांधी जी के बाद। नीतीश कुमार को मोहम्मद शाह और जहरीला नाम बता रहे हैं, फिर मानसिक आरोग्य शाला बिहार में तो अब है नहीं, इस तरह की बात करने वालों की जगह वहीं हो सकती है। मंत्रिमंडल में शामिल कब होगी कांग्रेस, जब करवा दीजिए आप लोग। समय हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो सीटें खाली हैं मुख्यमंत्री जी को जल्दी से जल्दी बिहार के हित में उसको भर देना चाहिए। और हम तो लगातार कह ही सकते हैं मंत्रिमंडल का प्रीरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री का होता है। अब नहीं ध्यान देते हैं तो ध्यान आप लोग दिलवाइए, काफी लोगों को कहते हैं। राहुल गांधी भी बोल कर गए थे, हम लोग तो सलाह ही देने की स्थिति में है ना, अनुरोध करने की स्थिति में है, तो ये क्या हो रहा है। ये भी हक यहाँ से आप लोग जब उठा रहे हैं सवाल, मिलते हैं आपके सलाह पर, हम फिर उनसे मिलते हैं, कहेंगे। थैंक यू। हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी आई हैं यहाँ, पूरा बिहार उनका स्वागत कर रहा है और
राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सभी सांसदों को भी शाम को भोज में आमंत्रित किया। लेकिन दो लोग वंचित रह गए, भारतीय जनता पार्टी के दो लोग इस आमंत्रण से वंचित रह गए। जैसे विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष निमंत्रण नहीं मिला, ये दोनों आमंत्रण से वंचित रह गए। तो ये सवाल तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब के लिए है, ये मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? आप अपने विचार को तो गवर्नर साहब के बिहाफ पे मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये भोज अगर मेरा होता और ये सवाल आप पूछे होते तो मैं इसका निश्चित उत्तर दे सकता था। लेकिन नहीं, मुझे नहीं मालूम, जिस बात की जानकारी नहीं वो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। थैंक यू। एक सवाल है, कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर, उन्होंने